नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने वेब न्यूज चैनल सुप्रीम पावर। आज आपको हम एक बड़ी खबर से अवगत कराते हैं, देखिए इस खास रिपोर्ट में। बड़ी खबर मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के खैरलांजी से, सीएम हेल्पलाइन भी साबित हो रही ढकोसला, हितग्राहियों के हाथ लग रहा मात्र झुनझुना। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आम जनता को त्वरित न्याय मिल सके, इसलिए सीएम हेल्पलाइन नंबर 181 घोषित किया गया, जिससे कि कोई भी सामान्य नागरिक इस नंबर पर फोन करके अपने वास्तविक समस्या को वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंचा सके। मगर सरकार का यह नवाचार भी कुछ अधिकारी कर्मचारियों की लापरवाही के कारण रद्दी की टोकरी साबित होता दिखाई पड़ रहा है। आलम यह है कि हितग्राहियों द्वारा शिकायत दर्ज किए महीनों होते जा रहे, फिर भी किसी तरह का संतोषप्रद समाधान नहीं मिलने से यह हेल्पलाइन भी मात्र कोरा आश्वासन ही साबित हो रही है, क्योंकि न झूठी शिकायत करने वालों पर प्रशासन की ओर से कोई कार्यवाही की जा रही और न लापरवाह अधिकारी कर्मचारियों पर कोई नकेल कसी जा रही, जिन्होंने सीएम हेल्पलाइन का एक प्रकार से मजाक बना दिया। जनपद पंचायत खैरलांजी के अंतर्गत ग्राम पंचायत खैरलांजी के 8 हितग्राही जिनका नाम प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की सूची में होने के बाद भी आज तक उनके खाते में प्रथम किस्त जमा नहीं होने के कारण इन सभी लोगों को आवास के लाभ से वंचित रहना पड़ रहा है। शांतिपति दुर्योधन, देमन बसंता, रंगारंग लाल, बाबूलाल मालन, फेकन सदन, माहौले प्रहलाद, अमृतलाल नकुल, सद्धू शांति, सूजलाल मंतुरा, लक्ष्मी जगदू का आरोप है कि इनके बाद वाले ऐसे हितग्राही जिनका नाम पत्रता सूची में काफी नीचे है, ऐसी सभी हितग्राहियों के खाते में राशि जमा हो चुकी है, जबकि उपरोक्त सभी लोगों का नाम वरीयता सूची में सबसे ऊपर होने के बाद भी इन हितग्राहियों को निराशा ही हाथ लग रही। इस संबंध में सभी द्वारा इसकी शिकायत सीएम हेल्पलाइन पर करने के बाद भी किसी तरह का समाधान नहीं निकल पाया, जिससे सभी लोग अपने आप को ठगासा महसूस कर रहे हैं। सुप्रीम पावर न्यूज के लिए बालाघाट खैरलांजी से युगेश कावड़े की रिपोर्ट। तो इसके लिए आपने किसी से शिकायत की हो? हाँ, शिकायत की ऑनलाइन भी किए थे, मीडिया वाले के पास भी किए थे। ऑनलाइन मुख्यमंत्री में? हाँ, मुख्यमंत्री बात की। तो उससे क्या जवाब आया? उसने तो कुछ जवाब दिया ही नहीं, हो जाएंगे करके ऐसा बोला था बस। तो फिर जनपद में कोई मुलाकात की है? नहीं, जनपद तो गए थे तो वो कुछ कार्रवाई नहीं हो रही ना, पंचायत गए थे दो तीन बार। सीओ मैडम से मिले थे? हाँ, गए थे ना। क्या बोले? हो जाएंगे करके बोले थे। और फिर जनपद गए थे? जनपद गए थे, सीओ मैडम के पास में तो हो जाएगा करके बताए। हो जाएगा बोले? हो जाएगा करके बोले बस। कब से कब गए थे आप लोग? मैं तो अभी 15 दिन पहले गया था उसके पास में। तो ये मकान कब से स्वीकृत हुई आपके? मकान को तो कम से कम 2-2.5 महीने हो गए। क्या नाम है मातरम आपका? लक्ष्मी भाई। लक्ष्मी भाई, अच्छा, क्या समस्या है आपकी? समस्या सब पांच वालों का दे रहे हैं और हमखन दे रहे हैं घर को। नाम? मकान। मकान पीछे पीछे वालों को मिल रहा है, आगे आगे वालों को नहीं मिल रहा है। तो इसके लिए आपने किसी से शिकायत की हो? अब है तो 2-4 बार है तो ना भी नहीं आवा है, फार्म भरे सब करियो। क्या नाम है आपका? प्रहलाद। क्या समस्या है? समस्या है कि लड़की बच्चे में दब जाएगी। हाँ, तो ग्राम पंचायत और किसी से मिले हो? मिले हूँ सचिव, दोनों सचिव से। क्या बोले सचिव लोग? हो जाएगा बोल रहा है। कब हो जाएगा? कब होगा तो ये 1 महीना होगा, हो जाए। परसों के दिन मिला तो हो जाएगा बोले। कब होगा? कितने नंबर पे आपका नाम? 70। अच्छा अच्छा, तो आपने बोले नहीं सचिव को? बोल दिया ना मैंने, और बाहर का वाले को मकान दे रहा है। सरपंच जी, आपके यहाँ कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि उन लोगों को मकान का लाभ नहीं मिल रहा है। तो आए थे हमारे घर। कितने लोग? बहुत लोग आए थे, आप में भी आए थे, आप सभी भी आए थे। तो आपने इसके बारे में सरपंच, सचिव और रोजगार साहब से बात की? इनसे तो बात तो होती रही थी। क्या बोलते हैं रोजगार साहब और सचिव? वो बोल रहे हैं कि मिलेगा। कारण क्या बता रहे, क्यों नहीं मिल पा रहे? कारण मैं क्या बताऊँ,